नमस्कार श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक निज पुत्र और पांडुपुत्र विषय प्रश्न करिथिले। संजय द्वितीय श्लोक ठारु 19 नंबर श्लोक पर्यंत ताहार उत्तर देले। एबे निम्न श्लोकरु संजय भगवद गीता प्राकट्यर प्रसंग आरंभ करुछन्ते। आज आमे व्याख्या करिबा श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यं इदमाह महीपते। एहार आक्षरिक अर्थ हेला, हे महीपति धृतराष्ट्र, जेतेबेले शस्त्रचालना निमन्ते प्रस्तुति चालिथिला सेतेबेले अन्यायपूर्वक राज्य धारण करिथिबा राजामानंकु ओ सेमानंकर साथीमानंकु व्यवस्थित रूपे सम्मुखरे दंडायमान होइथिबार देखि कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन निजर गांडीव धनु उत्तोलन करि भगवान श्रीकृष्णकु एही वचन कहिले। व्याख्या। अथ एही पदर तात्पर्य हेला, एबे संजय श्रीकृष्ण ओ अर्जुनंक संवाद रूपक भगवत गीता आरंभ करुछंती। अष्टादश अध्यायर 74 श्लोकरे व्यवहृत इति पदरे एही संवाद समाप्त होईछि। सेहीपरि द्वितीय अध्यायर 11 श्लोकरु भगवत गीतार उपदेश आरंभ होईछि एवं अष्टादश अध्यायर 66 श्लोकरे ताहा समाप्त होईछि। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, प्रकृतरे पितामह भीष्म युद्ध आरंभर घोषणा पाई शंख बजाई नथिले, बरं केवल दुर्योधनंकु प्रसन्न करिबा पाई शंख बजाईथिले। तथापि कौरव और पांडव सेना एहाकु युद्ध आरंभर घोषणा मने करि निज निजर अस्त्र शस्त्र धरि प्रस्तुत होइगले। एही रूपे सेनामानंकु अस्त्रशस्त्र धारण करिवार देखि वीरत्व सहकारे अर्जुन मध्य निजर गांडीव धनु उठाई नेले। व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, एही पदगुडिकरे संजयंकर अभिप्राय हेला, जेतेबेले आपणंक पुत्र दुर्योधन पांडव सेनाकु देखिले सेतेबेले से तरबर होई द्रोणाचार्यंक पाखकु गले। मात्र अर्जुन जेतेबेले कौरव सेनाकु देखिले सेतेबेले से तांक हात सीधा गांडीव धनु उपरकु चालीगला, धनु रुद्यम्य। एथिरु जणापडुछि जे दुर्योधनंकर अंतररे भय रहिछि एवं अर्जुनंक अंतररे निर्भयता, उत्साह ओ वीरत्व रहिछि। कपिध्वज, अर्जुनंक पाई कपिध्वज विशेषण दे संजय धृतराष्ट्रंकु अर्जुनंक रथ ध्वजारे विराजमान हनुमानंकर स्मरण कराउछन्ति। पांडवमानंक बनवास समयरे दिने पवन अकस्मात एक दिव्य सहस्रदल पद्म उड़ाई आनी द्रौपदीक आगरे पकाई देला। ताहा देखी द्रौपदी बहुत खुशी होइगले एवं भीमसेनं को कहिले, वीरवर आपण एपरी बहुत पद्म आनी दियंतु। द्रौपदीक इच्छा पूर्ण करने सकाशे भीमसेन बाहरी पड़िले। बाटरे कदली बनरे हनुमानंक सहित तांकर भेट हेला, दुहिंक मध्यरे अनेक कथोपकथन हेला। शेषरे भीमसेन बर मागंतु बोली हनुमान आग्रह प्रकाश करिबारु भीमसेन कहिले, मो उपरे आपणंकर कृपा रही थाउ। ताहा सुनी हनुमान कहिले, हे वायुपुत्र, तुम्हें जेतेबेले सर और शक्तिर आघात जोगुं व्याकुल होइथिबा शत्रुमानंक सेनारे प्रवेश करि सिंहनाद करिबो, सेतेबेले मुं मोर गर्जन द्वारा सेही सिंहनादकु आहुरी बढ़ाइ देबी। एहा छड़ा अर्जुनंक रथरे ध्वजारे बसी एपरी भयंकर गर्जन करिबी जे ताहा तुम शत्रुमानंक प्राण हरणकारी हेब, फळरे तुमे सहजरे निज शत्रुमानंकु मारि पारिब। एही प्रकारे जहांक रथर ध्वजारे हनुमान विराजमान तांकर विजय सुनिश्चित। पांडव, धृतराष्ट्र तांक प्रश्नरे पांडवाह पद प्रयोग करिथिले, एणु धृतराष्ट्रंकु बारंबार पांडवंक कथा स्मरण करैबा पई संजय पांडव शब्द प्रयोग करिछन्ति। हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते, पांडव सेनाकु देखि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्यंक निकटकु जाई चातुर्य भरा वचन कहिले, किंतु अर्जुन कौरव सेनाकु देखि जगद्गुरु अंतर्यामी तथा मन बुद्धिर
प्रेरक भगवान श्रीकृष्णंकु वीरत्वपूर्ण उत्साहवर्धक ओ कर्तव्यपूर्ण वचन कहुछंती। एहा थिला श्लोक नंबर 20 रो व्याख्या। श्लोक नंबर 21-22 रे आमे देखिबा अर्जुनंक उवाच, से कौन कहुछंती। आज पई एतिकी, धन्यवाद। राधे राधे।